हे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर किसी के घर में अगर कोई बेटी पैदा होती है तो वहाँ पे उन्हें टेंशन हो जाती है कि मेरे बेटी का भरण पोषण किस तरीके से होगा, क्या मैं यहाँ पे इसको अच्छी एजुकेशन दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई योजना जिसे कहते हैं सुमंगला योजना घोषित करी है 7 फरवरी को, जिसके तहत में 12 करोड़ रुपए की राशि डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी उत्तर प्रदेश के सभी परिवार को जिनके घर में नई बेटियां पैदा हो रही हैं या फिर जो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर जो भी काम की जानकारी है उसे मिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सुमंगला योजना क्या है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जन्म से लेकर के शादी तक के लिए यहाँ पर 2.23 लाख रुपए देगी सरकार, जो कि तारीख कर सकते हैं आप यहाँ पे आवेदन, इस तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 12 करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 करोड़ रुपए तक का बजट यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे घोषित किया गया है इस योजना के तहत, जो कि योजना उत्तर प्रदेश के सभी परिवार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 5 किस्तों में मिलेगी पूरी सहायक राशि, जो किस तरीके से है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस तरीके से सहायक राशि मिल रही है आपको, मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए 1000 रुपये पहले साल, जैसे कि बेटी का जन्म होगा तो वहाँ पे 1000 रुपये की राशि देखने को मिलेगी। पहला टीकाकरण जो होगा वहाँ पे 2000 रुपये की राशि देखने को मिलेगी आपको। जैसे ही बच्ची 6ठी क्लास के अंदर एडमिशन लेती है वहाँ पे 2000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे ही बेटी 12वीं क्लास के अंदर आती है तो वहाँ पे भी आपको 5000 रुपये देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी किस किस तरीके से यहाँ पे मिलेगा बेनिफिट, और कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल यूपी में यूपी की मूल निवासी और बेटियों को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये योजना नहीं है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलेगी 2 लाख रुपए तक की राशि, जो कि 21 वर्ष की आयु पे मिलेगी, यानी कि अगर आप इसके अंदर इनरोल कर लेते हैं तो 2 लाख रुपये की जो राशि है बेटी की 21 साल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यह राशि केवल उन बेटियों को मिलेगी जिनका विवाह 18 वर्ष के बाद होता है। कुछ एक जैसे कि देखा गया होगा यहाँ पर स्टेट की अगर मैं बात करूँ प्रदेश, जैसे स्टेट के अंदर बाल विवाह की प्रथा यहाँ पे चलती है, बाल विवाह भी हो जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस बार बजट के साथ में इस योजना का प्रस्ताव रखा, जो कि यहाँ पे सैंक्शन भी हो गया है कि 18 साल की आयु के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए की राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। दोस्तों, अगर इसके अलावा बात करूँ कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे इस योजना में आवेदन करने के लिए, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, आवेदनकर्ता के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। सुमंगला योजना के अंदर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्कूल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए इसके अंदर, बेटी को स्कूल भेजना ज़रूरी है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो वो मेरे भाई बंधु जो भी माँ बाप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपनी बेटियों के अलावा सभी को स्कूल भेजते हैं, सभी बेटों को स्कूल भेज देंगे लेकिन बेटी को नहीं भेजते, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपकी बेटी को भी आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस योजना की पूरी जानकारी पंचायत या ब्लॉक ऑफिस से ली जा सकती है, बहुत ही आसानी से पंचायत से या ब्लॉक ऑफिस से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो कि इस पूरी की पूरी आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे इसी वेबसाइट जो कि moneybhaskar.com है, इसका मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पूरे आर्टिकल को यहां पे पढ़ सकते हैं और यहां पे आकर के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने उम्मीद करता हूं कि सारी के सारी सवालों के जवाब आपके ज़रूर से दे दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे के भीतर आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं 110% दे दूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।